अरे भैया, ये तो जो 7 लाख वोट दिया उसका भी आवाज नहीं बने, 21 लाख को तो दूर जाइए। अरे भैया, आप हिंदू के भी नेता नहीं, आप ठकने के नेता हैं। ये सिर्फ हिंदू के शब्दों के नाम पर भावना का खेल खेलते हैं, लेकिन 4 लाख जिताने वाले जो जनता थे, जो कार्यकर्ता थे, वह अंदर ही अंदर कुंठित होकर के अपने ही अपने में रोते रह गए। हम ये नहीं जानते थे कि ये व्यक्ति का 2 चेहरा है, दिल कुछ और इसका कहता है, दिमाग कुछ और करता है। बेगूसराय जिले के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं, बल्कि जो सीधे साधे जनता हैं वो भी इनसे नाराज हैं। वहीं इनके अगल बगल के लोग रात को भी दिन दिखा रहे हैं, ये दिन देख रहे हैं, उसी पर ये चल रहे हैं। ये रात में आत्मचिंतन अगर करेंगे, इन्हें गलौनी महसूस होगी, इन्हें बेशर्मी महसूस होगी। ये राजनीति को कॉरपोरेट के रूप में, व्यापार के रूप में इस्तेमाल किए और उसमें ये सफल रहे। पहले कहें थे कि मेरे पैरों में घुंघरू बांध फिर मेरी चाल देख ले, जनता ने जो सर्टिफिकेट इनको दिलाया, सर्टिफिकेट मिलने के साथ ही इन्होंने अपना चाल दिखाना शुरू कर दिया। आपने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के पास कभी भी 5 साल में बेगूसराय विकास के मुद्दे पर गया? जो 5 साल के अपने कुकर में हैं, उनके कारण इन्हें हर लोगों के बीच से जूझ करके, मुंह छुपा करके भागना पड़ रहा है। इन्होंने ऐसा बड़ा कलंकित काम किया कि अपने ही नहीं पार्टी को आज गाली सुनवा रहे हैं। इनके चलते भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को गाली सुनना हम लोगों से पड़ रहा है। ये तो वोट की चोट से लोग हराएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज बिहार, मैं हूं आपके साथ दीपक कुमार राय, बात बेवाक सच के साथ। जैसे जैसे बेगूसराय लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे बेगूसराय की सरगर्मियां तेज हो रही है और साथ ही केंद्रीय मंत्री सब बेगूसराय सांसद को जो है विरोध का सामना करना पड़ रहा है। कल देर शाम जो है बछवाड़ा में स्थानीय लोग और भाजपा कार्यकर्ताओं ने गिरिराज सिंह के खिलाफ काला झंडा दिखाते हुए विरोध प्रदर्शन किया, क्योंकि 5 वर्ष जो है गिरिराज सिंह बेगूसराय के सांसद रह चुके हैं, लेकिन उन्होंने स्थानीय मुद्दाओं पर ध्यान नहीं दिया। ध्यान दिया भी तो चुनाव नजदीक आते ही अमृत महोत्सव के अवसर पर जो बछवाड़ा को 8 सड़क मिला था, उन 8 सड़कों पर ही सिर्फ काम हुआ। और साथ ही बेगूसराय के 7 विधानसभा में जो स्थानीय मुद्दा होना चाहिए, बेगूसराय में यूनिवर्सिटी होना चाहिए था, बेगूसराय में मेडिकल कॉलेज होना चाहिए था, बेगूसराय में रोजगार की जो गति होनी चाहिए थी, उन तमाम मुद्दाओं पर गिरिराज सिंह के द्वारा जो है ध्यान नहीं दिया गया, जिसको लेकर भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय लोग लगातार गिरिराज सिंह का विरोध कर रहे हैं। और साथ ही जो है बीते दिनों जो एक और मामला प्रकाश में आया था, राज्यसभा सांसद जो हैं राकेश सिन्हा सीधे तौर पर कह रहे थे कि गिरिराज सिंह के द्वारा उन्हें मां बहन की गालियां दी गई, जिसके बाद और भी बेगूसराय के जो भी लोग हैं वो नाराज चल रहे हैं और साथ ही उनका विरोध कर रहे हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के वो कार्यकर्ता जो वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव में जो है गिरिराज सिंह का समर्थन किए थे और उन्होंने पूरी मेहनत के साथ भाजपा को यहाँ 4 लाख से अधिक मतदान से जिताने का काम किया था, लेकिन इस बार जो है वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में सीधे तौर पर गिरिराज सिंह के विरोध में है, ना कि भाजपा के विरोध में। हम इनसे कई बिंदुओं पर बातचीत करेंगे और हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे आखिरकार ये नाराज क्यों चल रहे हैं। प्रथम आपका बीटी न्यूज बिहार में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जो है काम केंद्रीय मंत्री जो है गिरिराज सिंह से है, बेगूसराय के भाजपा कार्यकर्ता नाराज है, आखिर क्यों? बेगूसराय जिले के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं, बल्कि जो सीधे साधे जनता हैं वो भी इनसे नाराज हैं। आखिर क्यों सर? राजनीति जहां एक साध और साधना था, उस राजनीति को इन्होंने व्यापार बना दिया, उस राजनीति को व्यवसाय के रूप में 5 साल तक इन्होंने काफ़ी इस्तेमाल किया। जब ये भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री बने, चुनाव लड़ने के लिए जब बेगूसराय आए, आम लोगों और कार्यकर्ताओं में ये था कि ये निश्चित रूप से हम जिताएंगे तो भारत सरकार में ये कैबिनेट मंत्री बनेंगे, कैबिनेट मंत्री बनेंगे, हमारे बेगूसराय का वह रूप और रंग बदलेगा, हमारे यहाँ शिक्षा का, स्वास्थ्य का विकास होगा, हमारे यहाँ रोजगार का बहुमुखी विकास होगा, हमारे यहाँ के युवा अपने तकनीकी शिक्षा के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। केंद्रीय मंत्री तो बन गए, अच्छी अच्छी बातों तो इन्होंने की, लेकिन जो ही मंत्री बने तो पहले कहें थे कि मेरे पैरों में घुंघरू बांध फिर मेरी चाल देख ले, जनता ने जो सर्टिफिकेट इनको दिलाया, सर्टिफिकेट मिलने के साथ ही इन्होंने अपना चाल दिखाना शुरू कर दिया और राजनीति जो विचारों का होता था, सिद्धांतों को होता था, उसे ताक पे रख करके और कुछ लोगों के साथ ये राजनीति को एक व्यापार के रूप में, व्यवसाय के रूप में इस्तेमाल करते रहा और एक चारदीवाली के अंदर सोफे पर बैठ करके अपने ज़िंदगी को ये 5 साल तक बिता दिए। इन्होंने ऐसा बड़ा कलंकित काम किया कि अपने ही नहीं
पार्टी को आज गाली सुनवा रहे हैं। इनके चलते भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को गाली सुनना हम लोगों से पड़ रहा है। ये तो कह रहे हैं कि हमने बेगूसराय में विकास की गति को बढ़ावा दिया और कह रहे हैं कि हमने बेगूसराय को विकसित बनाया। ये 5 साल के अंदर बता दें, बेगूसराय विकास के लिए आपने प्रधानमंत्री जी के पास कब गया था कि बेगूसराय में केंद्रीय विश्वविद्यालय खुले? आपने कब प्रधानमंत्री जी के पास गया था कि बेगूसराय में एम्स खुले? आप बिहार के मुख्यमंत्री जी के पास कब गया था कि बेगूसराय में मेडिकल कॉलेज खुले, बेगूसराय विश्वविद्यालय खुले, बेगूसराय के लोग छाए नहीं खाए? भारत सरकार के द्वारा कांवर झील का हजारों एकड़ जो जमीन है किसानों का उत्थान हो, रेलवे का जो जमीन गरहरा यार्ड में पड़ा हुआ है वहाँ का विकास हो, आपने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के पास कभी भी 5 साल में बेगूसराय विकास के मुद्दे पर गया? कभी आपने नहीं किया। तो यानी आपका कहने का मतलब है कि स्थानीय मुद्दा से गिरिराज सिंह को कोई लेना देना नहीं है क्या? ये राजनीति को कॉरपोरेट के रूप में, व्यापार के रूप में इस्तेमाल किए और उसमें ये सफल रहे, धन शोहरत ये कमाने में काफ़ी आगे रहे। कुछ लोग, अगल बगल के लोग, जब राजा आँख से अंधा हो जाता है और कान से बहरा हो जाता है तो अगल बगल के लोग कहते हैं कि महाराज रात को भी 12 दिन बज रहा है, वहीं इनके अगल बगल के लोग रात को भी दिन दिखा रहे हैं, ये दिन देख रहे हैं, उसी पर ये चल रहे हैं। ये रात में आत्मचिंतन अगर करेंगे, इन्हें गलौनी महसूस होगी, इन्हें बेशर्मी महसूस होगी कि मैंने क्या किया। आज भारत सरकार का मंत्री बेशर्मी की तरह झटका मीट का बात करेगा, मटन का बात करेगा? अगर मटन और मीट का बात करते हैं तो ये बतावे कि मछली को हलाल करके खाया जाए कि मछली को झटका से खाया जाए? ये बेशर्मी की बात है। भारत सरकार का मंत्री होना कोई छोटी बात नहीं होती है, लोकतंत्र में बहुत बड़ी बात होती है। और बेगूसराय के लाखों लोग जिस उम्मीद से इनको जिताए थे, जिस उम्मीद से आगे बढ़ाए थे, उनके उम्मीद पर पानी फिर गया। आपने भी तो वर्ष 2019 में जो है उन्हें चुनाव जितवाने में अहम योगदान किया, 4 लाख से जितवाया, और इस बार आप स्वयं नाराज चल रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों? मुझे भी उम्मीद थी कि ये व्यक्ति जीतेंगे, बेगूसराय के केंद्रीय मंत्री होंगे, आम लोगों के लिए यहाँ शिक्षा का, स्वास्थ्य का, तकनीकी शिक्षा का विकास होगा, यहाँ के रोजगारों का पिटारा खुलेगा। हम ये नहीं जानते थे कि ये व्यक्ति का 2 चेहरा है, दिल कुछ और इसका कहता है, दिमाग कुछ और करता है, अंदर में चेहरा कुछ और रहता है, जनता के भी चेहरा कुछ और रहता है। मुझे तो उस दिन लगा कि ये 5 साल के दरमियान 5 गाँव में, 10 गाँव में, कभी बस्ती में किसी कार्यक्रम के निमित्त नहीं गए, किसी उसके दुख दर्द को कभी जनता दरबार को नहीं लगाया, कभी आम लोगों के एक भावनाओं को ये समझने का कोशिश नहीं किया। ये सिर्फ सायरन बजाते हुए सर्किट हाउस आए और सायरन बजाते हुए फिर पटना की ओर रवाना हो गए। इनका जो व्यापार और व्यवसाय था वो तो फल फूल रहा था, लेकिन 4 लाख जिताने वाले जो जनता थे, जो कार्यकर्ता थे, वह अंदर ही अंदर कुंठित होकर के अपने ही अपने में रोते रह गए, क्योंकि ना कोई बताने वाला है, ना कोई समझाने वाला है, ना उसके दर्द दुख दर्द कोई समझने वाला है। यानी बेगूसराय जो है इन्हें जिताकर बहुत बड़ी गलती कर बैठी। ऐसे नेताओं को किसी भी दल में रहे, इसका व्यापार ऐसे नेताओं का बंद होना चाहिए। लोकतंत्र, राज्य की जो व्यवस्था होती है, वो मत देता है कि 20 लाख लोगों का आप आवाज बनकर के पार्लियामेंट में बैठे हैं, 20 लाख लोगों के दुख दर्द को आप पार्लियामेंट में उठा करके और उसकी समस्याओं का निदान करेंगे। इन्होंने कभी विकास के नाम पर, वह 20 लाख लोगों के नाम पर, ना कभी प्रधानमंत्री से, ना मुख्यमंत्री से इन्होंने बात किया, ना कभी विकास शब्द भी इनके जुबान और चेहरे पर आया। ये सिर्फ अपने कुछ गुर्गों के साथ जो व्यापार था राजनीतिक, वह व्यापार को करते रह गए और तमाशा दिखाते रह गए कि मेरे घुंघरू में तुम अगर बांध दिया पैर, मैं घुंघरू बांध दिया तो अब मेरी चाल को देखते रहो। भाजपा कार्यकर्ता कह रहे हैं कि हम भाजपा से नाराज नहीं है, गिरिराज सिंह से नाराज हैं। बिल्कुल, क्योंकि मत दे करके गिरिराज सिंह को मत दिया था। जब आप मत गिराने जाते हैं तो वहाँ नाम गिरिराज सिंह का रहता है और छाप रहता है। आपने गिरिराज सिंह को वोट यहाँ के लोगों ने दिया था और एक कहे कि बहुत बड़ी उम्मीद थी, वह उम्मीद पर प्रतिशत नहीं बल्कि 100% पानी फिर गया। ये व्यक्ति घड़ियाली सिर्फ आंसू बहाएंगे, ये व्यक्ति उल जलूल शब्दों का सिर्फ चर्चा करेंगे, ये व्यक्ति वैसे चीज़ों का चर्चा करते हैं जिससे कि किसी भी आम लोगों को
कोई लेना देना नहीं है। आज आकर ये हिंदू और मुस्लिम की बात करते हैं, इनकी औकात हुई, इनकी औकात हुई किस मामले को लेकर, इनकी औकात क्या? मस्जिद के बगल में दलित बस्ती को हटा दिया गया था 8 कट्ठे गैर मजरूआ जमीन से, है क्या इन मामलों को लेकर उन्होंने आवाज नहीं उठाया, दलितों की आवाज बनने का भी नहीं उठाया। पपरौड़ में आप चले जाइए, 4 लेन का जो विस्तारीकरण हुआ पपरौड़ में जाकर वहीं पर रह गया, क्योंकि पिछले नौशाद यूसुफ के द्वारा रोड का अतिक्रमण कर NH को कब्रिस्तान को घेरा गया था बढ़ा करके, इन्होंने हटवाया, वहाँ रोड का चौड़ीकरण नहीं हो पाया, 4 लेन वहीं का वहीं रह गया। अरे भैया आप हिंदू के भी नेता नहीं, आप ठकने के नेता हैं, ये सिर्फ हिंदू के शब्दों के नाम पर भावना का खेल खेलते हैं, इनके जहन में हिंदू का कोई सोच ही नहीं है, कोई उसके लिए कोई दर्द ही नहीं है। अगर दर्द रहता तो दबा भी ये रखते, ये सिर्फ दर्द देते हैं, दवा इनके पास नहीं है। आपके ही राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा बिलख बिलख कर रो रो कर कह रहे थे उन्हें माँ बहन की गालियां गिरिराज सिंह के द्वारा दी गई, क्या कहना चाहेंगे इस पर? अब उनको गाली अगर किसी को भी दिया जाता है तो उसकी निंदा की जाती है, वह दुर्भाग्य है। और अगर उनके साथ अगर ऐसा हुआ, आम जनमानस कार्यकर्ता के साथ भी ऐसा होता है, वह भी दुर्भाग्य है। राजनीति विचारों की लड़ाई है, राजनीतिक दो विचार के बीच, दो उद्देश्य के बीच की लड़ाई होती है। राजनीति में किसी की माँ बहन और किसी का परिवार नहीं आता है, क्योंकि परिवार और माँ बहन सबके सम्मानित। क्या इस बार बेगूसराय की जनता अपनी अस्मिता को बचाएगी? क्या इस बार की जनता जो है, इस बार जनता बेगूसराय से गिरिराज सिंह को सिमरिया पार भेजने का काम करेगी क्या? एक बात को तो मैं बार बार काटूंगा कि सिमरिया पार, क्योंकि लोकतंत्र में उनका भी नौनी घर ही है, उनका भी फुआ की शादी है, कहाँ पार जाए। लोकतंत्र में वोट की चोट से लोग हराएगा, जिसको उचित समझेगा उसको वोट देगा। आज इनका विरोध जरूर है, विरोध अगर नहीं रहता तो बछवाड़ा में भी काला झंडा दिखाया गया, जहाँ तहाँ ये भाग रहे हैं। ये जनता बहुत बड़ी ताकत होती है, और जनतंत्र में, लोकतंत्र में जो जनता जो चुनती है वह दूध से मट्ठा निकालती है, वह सही मट्ठा को ही निकालेगी। चुनाव का काफ़ी दिन है, लेकिन इन्हें फजीहत को झेलना पड़ रहा है, इन्हें हर जगह उस जो 5 साल के अपने कुकर में हैं उनके कारण इन्हें हर लोगों के बीच से जूझ करके मुँह छुपा करके भागना पड़ रहा है, ये तो आज देखने के लिए मिल रहा है। आगे क्या होगा ये तो वह 20 लाख 21 लाख जो जनमत है वह मत के वक्त बताएगा कि मेरा दर्द और दबा क्या। लेकिन 5 साल सांसद रहने के बावजूद भी इन्होंने जो है 21 लाख की आवाज बनने का काम नहीं किया। अरे भैया ये तो जो 7 लाख वोट दिया उसका भी आवाज नहीं बने, 21 लाख को तो दूर जाइए, इनको जो वोट मिला अगर 4 लाख से जीते उसका भी आवाज नहीं बने। ये सिर्फ आवाज बने हैं, अपने जीवन का आवाज बने, अपने व्यवसाय का आवाज बने हैं, अपने धन और कुछ जो इनके इर्द गिर्द है उसका आवाज बने हैं। इन्होंने राजनीति को व्यापार के रूप में, व्यवसाय के रूप में लिया, उसका आवाज बने हैं, उसमें ये काफी आगे रहे हैं। विकास के नाम पर इनका गोल सिर्फ सुन्न नजर आएगा, इन्होंने कुछ नहीं कर पाया, और आलतू फालतू बातों से लोगों को बरगलाना चाहते हैं। बेगूसराय की धरती उतनी मूर्ख भी नहीं है जितना ये मूर्ख समझते हैं। कुछ देर के लिए भावनाओं में आकर के मैंने कुछ गलतियां कर दिया तो ऐसा नहीं कि मैं जीवन भर गलती ही करते रहूंगा। इस बार परिवर्तन की आस लग रही है ना? आम लोग जब विरोध हो रहा है, जब सांसद का विरोध हो रहा है, जब सांसद को हर जगह कार्यकर्ताओं से जूझना पड़ रहा है, तो वो तो बता रहा है, वो दर्शा रहा है कि विरोध का आपको रोज दिन उसके कदमों से, विरोध के कदमों से गुजरना पड़ रहा है। जब गुजरना पड़ रहा है तो आगे क्या होगा यह कहना मुश्किल है। तो हमारे साथ मौजूद थे भाजपा की वो कद्दावर नेता संजय गौतम जी, जिन्होंने वर्ष 2019 ईस्वी में लोकसभा चुनाव में भाजपा को जिताने में अहम योगदान दिया, लेकिन इस बार वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में ये खुले तौर पर भाजपा का विरोध नहीं कर रहे हैं, गिरिराज सिंह का विरोध कर रहे हैं, और बेगूसराय में भाजपा कार्यकर्ता खुले मंच से गिरिराज सिंह का विरोध कर रहे हैं, भाजपा कांडा की विरोध कर रहे हैं, और भाजपा के कार्यकर्ता जो भी हैं वह तन मन से भाजपा के साथ हैं लेकिन गिरिराज सिंह के साथ नहीं है। जैसा कि हमारे संजय गौतम जी कह रहे थे कि गिरिराज सिंह ने स्थानीय मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया, यहां सिर्फ जातिवाद, धर्म की राजनीति करके, गुर्गों की राजनीति करके बेगूसराय को विकसित बनाने में कहीं कोई योगदान नहीं दिया, ना कि बेगूसराय की समस्याओं को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री के पास सवाल रखा, ना कि प्रधानमंत्री के पास सवाल रखा तो सिर्फ बेगूसराय में गंदी भावनाओं को रखा, जिससे बेगूसराय का विकास तो नहीं हुआ लेकिन बेगूसराय में धर्म की राजनीति
जोर शोर से हुई। तो देखना है कि 13 मई को मतदान होना है, उससे पूर्व 18 अप्रैल से जो है नामांकन का दौर चल रहा है। 18 तारीख को महागठबंधन प्रत्याशी अवधेश राय ने नामांकन किया, तो 19 तारीख को NDA प्रत्याशी गिरिराज सिंह ने भी नामांकन कर दिया है। फिलहाल 25 तक नामांकन का दौर चलेगा और 13 मई को मतदान होना है। तो देखना है कि इस बार बेगूसराय की जो जनता है वह क्या करती है, क्या इस बार फिर पुनः गिरिराज सिंह के साथ या फिर महागठबंधन के साथ, वो तो रिजल्ट आने के बाद ही मालूम चलेगा। तो अभी फिलहाल जो है गिरिराज सिंह के खिलाफ स्थानीय लोग और भाजपा कार्यकर्ता आक्रोश में हैं। तो आप हमारे साथ लगातार बने रहिए और देखते रहे बीटी न्यूज़ बिहार। कैमरामैन रणवीर कुमार के साथ दीपक कुमार राय की रिपोर्ट।